हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 7.5 साल की बेटी, जिसको आप माई रॉकस्टार डॉटर नाम से भी जानते हो, उसका यूट्यूब चैनल है। उसका आज मैं इन जनरल जो उसका डेली रूटीन है वो आज का जो मैं उसका रूटीन दिखा रही हूँ वो उसका स्कूल वाले डे का रूटीन है। जब उसकी छुट्टी नहीं होती है, उसका क्लास स्टार्ट होता है 8 o'clock, सो अराउंड 7:15 या 7:30 मैं अनन्या को उठा देती हूँ। थोड़ा जल्दी उठाती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ना होए, आराम आराम से उसको तैयार कर सकूँ। सो उठते ही सबसे पहले मैं उसको देती हूँ एक ग्लास गर्म पानी, जो कि हाइड्रेशन के लिए, बॉडी के लिए और स्पेशली कोविड टाइम पे यू नो थोड़ा वार्म वार्म गले के लिए अच्छा होता है। फिर वो करती है अपना मॉर्निंग का जो रूटीन होता है, जनरली टूथब्रश, भगवान को आके यू नो पूजा करना कि आज का दिन अच्छा निकले, और फिर फाइनली उसको हम रेडी करते हैं। और उसको यूनिफॉर्म पहनाने के बाद सबसे बड़ा काम जो होता है उसका परफेक्ट पोनी बनाना। तो यहाँ पे देखिए वो मुझे भाई बता रही है कि कितने टर्न्स लेने हैं, सिर्फ 3 या 4 टर्न करने रबर बैंड के। सो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उसके पोनी बनाने में लगता है। सो फाइनली आज एक बार में ही बन गया है। और हाँ, ये धक्का मुक्की चलती है, पुश कर करके क्लास के लिए रेडी। तो फाइनली उसको दे रही हूँ मैं दूध, आजकल हल्दी वाला दूध ही देती हूँ मैं उसको। एक टाइम, 2 टाइम दूध पीती है वो, मॉर्निंग टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे। एक टाइम पे मैं उसको हल्दी वाला दूध देती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, और साथ में बादाम। तो जब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आती हूँ, तब तक अनन्या टाइम टेबल के हिसाब से अपनी किताबें वगैरह लाके सेट करती है। सो अनन्या रेडी हो गई है, अनन्या की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ब्रेकफास्ट कर रही है और ब्रेकफास्ट भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और एनी टाइम अनन्या के पास रहती है बुक, है ना। स्कूल की बुक्स पसंद नहीं है, ये बहुत पसंद है ना। चलो जल्दी ख़त्म करो, थोड़ा सा बच्चा है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो अनन्या की चल रही है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस। और क्लास में ही उसके एक्सरसाइज वगैरह हो जाते हैं, इसलिए मैं घर में उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती हूँ। पर जिस दिन उसका कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसको जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो घर पे करवाएं, कुछ ना तो एटलीस्ट बैठा के मेडिटेशन, जो ओम चैंट करना होता है वो करवाते हैं हम लोग। तो क्लास ख़त्म होने के बाद अनन्या का होता है बेदिंग टाइम, नहा के आती है, रेडी होती है, उसको बड़ा मज़ा आता है अपने बालों को कोम करने में, और बस फिर तो शुरू उसका टाइम पास, कुछ भी जो गेम जो मन करे अनन्या वो उस टाइम पे करती है खेलना। और खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि टॉयज चाहिए, किसी भी चीज़ के साथ वो खेल सकती है। और यहाँ पे भी अगेन बालकनी में वो इंजॉय कर रही है प्लांट्स के साथ। क्या कर रहे हो? प्लांट्स के साथ डांस कर रही हूं। ये कौन सा टाइम है प्लांट्स के साथ डांस करने का? अनन्या को मम्मा ने बोला था कि प्लांट्स के साथ बात करते हैं तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं ना, इसलिए अनन्या उनका एंटरटेन करती है बीच बीच में आके, राइट? वो भी मेरे साथ डांस कर रहा है। अच्छा, हवा से? वो देखो खेल रहा है ना। ओके। खेलते खेलते मैं अनन्या को काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व करती हूँ, छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, जैसे वो अभी कपड़े मुझे उठा के दे रही है, बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे कपड़े फोल्ड कर लिया, थोड़ा सामान उठा के घर सेट कर लेना, थोड़ा सा डस्टिंग कर लेना, ये सब चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व उनके एज के हिसाब से करवाना अच्छा होता है। तो उनको भी पता होता है कि घर के कामों में दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड या फिर रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं वो। और यस, इस समर अनन्या को छाछ बहुत पसंद थी, अभी वो वही छाछ इन्जॉय कर रही है। बच्चों का एज़ यूजुअल हर चीज़ में गेम निकाल लेते हैं, रोल प्ले निकाल लेते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद उसने उठा लिया है वॉशिंग मशीन का, और अभी वो कुछ तो पता नहीं सेलर या कुछ तो प्ले कर रही है। फिर अनन्या का होता है आई थिंक अभी वो यस पढ़ रही है, मतलब स्कूल के बुक्स नहीं, स्टोरी टाइम उसका पूरे दिन। वो जब भी उसको मौका मिलता है वो कोई ना कोई बुक लेके पढ़ती रहती है। तो उसके बुक का जो रीडिंग हैबिट है, कैसे मैंने वो हैबिट इनकलकेट किया उसमें, या फिर उसके कौन से स्टोरी बुक्स के कलेक्शन हैं, इसके 2 वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे अनन्या के हम वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, उसका चैनल है माय रॉकस्टार डॉटर, जिसमें उसके ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो यही टाइम होता है जिसमें हम वीकली एक दिन हम उसका वीडियो भी बनाते हैं, आज वो दिन नहीं था,
ये उसका सबसे फेवरेट टेडी है जिसका नाम उसने पेडी रखा हुआ है, और अभी उसका वो मेजर कर रही है ऑक्सीजन लेवल। बच्चों को रोल प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, आई थिंक आपके भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। यहाँ अगेन जैसे मैंने बोला, इन्हें को छोटे मोटे काम में मैं इन्वॉल्व रखती हूँ, तो यहाँ पे वो किचन में छोटे मोटे जो प्लेट्स निकाल के मुझे देना खाना खाने के टाइम पे, कटोरियाँ वगैरह निकाल के रखना, बड़े काम नहीं होते लेकिन इसी चीज़ों से ना बच्चों को सिखा सकते हो कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली उनका भी पार्ट होता है, और आई गेस कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगता है, उनको अच्छा फील होता है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अनन्या तो बहुत खुश होती है मेरी हेल्प करके। फिर होता है अनन्या का लंच टाइम, तो अभी खुद ही खाना खा रही है और खाना खाते खाते बातें उसकी बंद नहीं होती है, और अनन्या खाना खाने में एक्चुअली बहुत टाइम लगाती है, यही एक मैं कहूँगी उसकी कमी है अभी तक कि जल्दी खाना खत्म नहीं करती। मुंह बंद करके खाना नहीं खा सकते हो, जरूरी है पर खाना खाते खाते भी बात करना है। चलो खाओ। अगेन खाना खाने के बाद छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, बर्तन हो गया, वो उसको हम बोलते हैं कि अपनी जगह रख के आओ, रख के आती है, और वो अपने बर्तन भी काफ़ी टाइम खुद वॉश करती है, हर रोज़ नहीं पर जब मौका मिले तब वो करती है, जब उसका मन हो। आज था आई थिंक उसका मन नहीं था, पर यस टेबल हम कोशिश करते हैं कि खाना खाने के बाद, टेबल बड़ा नहीं है हमारा, छोटा सा ही टेबल है, तो वो उसको क्लीन करती है। अगेन यू नो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों को इन्वॉल्व करने का घर के छोटे मोटे कामों में। और लंच के बाद का टाइम उसका खुद का होता है, वो टाइम पास करती है, कभी मैं बैठती हूँ फ़ोन पे तो मेरे फ़ोन में आके झांकती है, जैसे उसके पापा भी कुछ आई थिंक गेम खेल रहे हैं तो वो उसमें बैठी है, फिर वो इन्वॉल्व हो जाती है अपने गेम्स में, अपने नॉर्मल गेम्स में, और यहाँ पे उसको मैं एक ट्रीट दे रही हूँ जो उसने एनवेलप बनाया अपने हाथों से ताकि उसको सरप्राइज़ मिले। तो जनरली लंच के बाद मैं उसको ये यहाँ पे रख देती हूँ कुछ स्वीट खाने के लिए। सो अभी अगेन लंच के बाद का जैसे मैंने बोला इसका फ्री टाइम होता है, सो अभी पापा के साथ वो कुछ तो टीवी में देख रही है, यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए चैट करते हुए कुछ गेम खेल रही है। आई नो यू नो फिज़िकल एक्सरसाइज बच्चों की नहीं है आजकल, बाहर जाके बच्चे इंटरैक्ट, फिज़िकल से ज़्यादा इंटरैक्शन जो होता है फ्रेंड्स का वो बहुत मिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन है ये काफ़ी बेनिफिशियल है मैं बोलूँगी। एटलीस्ट बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ टच में हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो बात करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ। और ये देखिए, ये जब मैं सो रही थी तब मेरे हस्बैंड ने ये क्लिक किया है, सो यहाँ पे आई एम श्योर आपके बच्चे भी करते होंगे, उसको एक उसने लोटो चोको पाए जो मैंने उसके एनवेलप में डाला है वो खा लिया था, अभी वो और ढूंढ रही है कि दूसरा लोटो चोको पाए कहाँ है ताकि उसको मिल जाए। सो शाम के टाइम पे अनन्या को मैं थोड़े से स्नैक्स देती हूँ, या तो वो फ्रूट खाती है या फिर ड्राई फ्रूट्स, वैसे फ्रूट और ड्राई फ्रूट दोनों ही काफ़ी टाइम खा लेती है, मन के ऊपर उसके मूड के ऊपर, और फिर वो दूध पीती है, फिर अगेन वो इन्वॉल्व हो जाती है अपने रूम में, ड्राइंग कर रही है, उसको कार्टून्स बनाने का, छोटे छोटे स्टोरीज लिखने का बहुत शौक है तो वो करती है, गेम्स प्ले करती है अपने टॉयज़ वगैरह उनके साथ। अब है अनन्या का स्टडी टाइम, जो उसको होमवर्क मिलता है, काफ़ी नोट्स आते हैं क्योंकि अब वो थर्ड स्टैंडर्ड में आ गई है तो नोट्स वगैरह आते हैं, तो याद करना, पढ़ाई करना, ये सब ई टाइम होता है जिस टाइम मैं अपना एडिटिंग करती हूँ, साथ में वो जो अपने काम है स्कूल का वो करती है। और आज अनन्या का मन कर रहा था पूजा करने का, तो कभी कभी, रोज़ नहीं करती वो, मन के हिसाब से उसका आज उसका मन था तो आज उसने वो किया, फिर वो थोड़ा बहुत खेलती कूदती है जो है टाइम पास करती है, और फिर डिनर टाइम हो जाता है, सो फिर अनन्या डिनर कर रही है। यस हमने कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि अनन्या स्लो है वो अभी तक डिनर कर रही है, और डिनर करने के बाद हम लोग हमेशा मेक श्योर करते हैं इस टाइम पे थोड़ा क्राउड कम होता है कि हम लोग नीचे वॉक करने जाएं,
क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो यहाँ पर अनन्या वही कर रही है, अपने फेवरेट पेडी को उसने दो टेडीज पकड़ा दिए हैं और उसको बुक दे के जा रही है ताकि इसकी पेडी बोर ना हो जाए। हो गया फिर इस टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो हो, तो थोड़ा बहुत भाग लेती है, जॉग कर लेती है, यू नो, इससे थोड़ा बहुत जो है उसका एक्टिविटीज़ जो है उसकी चलती रहती हैं। गुड 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 गुड, कौन पहले हाई फाइव देगा, कौन हाई फाइव देगा, कौन हाई फाइव देगा, गुड। वाह 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 वाह, गिरा, डर गई। फिर स्टार्ट होता है अनन्या का नाइट रूटीन जो है बेसिक, क्योंकि तो उसका ब्रश चल रहा है। उसके बाद अनन्या करती है स्टीम। स्टीम हम जनरली दिन में दो बार लेते हैं, आज शायद मॉर्निंग में मैं शूट करना भूल गई। ये बच्चों वाली स्टोरी बुक क्यों पढ़ रहे हो अनन्या? क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है मेरी स्टोरी बुक, क्योंकि मैंने इसमें ड्राइंग की है एज यूजुअल, इसलिए मुझे बहुत पसंद है मेरी ड्राइंग। अनन्या की यूकेजी की बुक्स है ना, स्टोरी बुक्स। बढ़िया टंकल जो सर मैंने लिखा है यहां पे, लाइफ ऑफ द स्मॉल गर्ल। वेरी गुड, चलो स्टीम लो। तो फाइनली अब वो पहन रही है नाइट सूट। सोने से पहले अभी वो बटन अपने खुद ही लगाने लग गई है, तो मुझे वही बोल रही है कि वो खुद बटन लगाएगी। इंडिपेंडेंट हो रही है काफ़ी चीज़ों में। और यस, सोने से पहले भगवान का आशीर्वाद, थैंक यू एक अच्छे से दिन के लिए, और रात भी हमारी अच्छी सी निकले। और यस, उसका कैसे यू नो दिन कम्प्लीट हो सकता है विदाउट एनी स्टोरी बुक। तो यहाँ पे जो स्टोरी बुक्स यू नो लेंदी वाली होती हैं, जो उसको समझ में नहीं आती हैं, उस तरह के बुक्स हम उसको पढ़ के सुनाते हैं। तो यस, वही सुभाष कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड उसको पढ़ के सुना रहे हैं वही स्टोरी बुक। अभी पॉइंटर बता ना आपको, क्या यस एंड टिम सैट बिसाइड हर एंड ही कुड हार्डली वेट फॉर द ट्रेन टू स्टॉप एट द स्टेशन। शी रैन अलोंग द प्लेटफॉर्म लुकिंग स्लीप। कितने टेडीज घुसाए ना, मार्शमेलो, ग्रे और पेडी। चलो, मेरे तीन फेवरेट टेडी बेयर्स। गुड नाइट, गुड ड्रीम्स। आज रात को अपने बेड पे सोना, प्लीज उठ के उधर मत आना। गुड नाइट, गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश किया है जो मेरी बेटी है उसका रूटीन शेयर कर सकूं आपके साथ जितना हो सके उतना। बाकी बच्चों का रूटीन आपको पता है, रोज़ चेंज होता रहता है, बट इन जनरल जो वो जनरली करती है, जो उसने उस दिन किया, वो मैंने कोशिश किया अपने यू नो रिकॉर्ड करने का जितना हो सके और वो आपके साथ शेयर करने का। सो रियली होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही एक रूटीन वीडियो मैंने अनन्या का पहले भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक आवर वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर।